हेलो एवरीवन, रिसेंटली मैं जूडिया के स्टोर गई थी। वहाँ से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाई किए हैं, तो वन बाय वन मैं उनके बारे में बताती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मेकअप रिमूवर वाइप्स, जो कि दो तरह के वाइप्स लिए मैंने, के आई मेकअप रिमूवर वाइप्स। इसका एम आर पी था 29 रुपीज़। यस, 29 रुपीज़, काफ़ी अच्छा है ये। और सेकंड ये जो रिमूवर है, ये नॉर्मल जो होता है स्टैंडर्ड साइज़ वही है, और इसका एमआरपी था 49 रुपीज़। ये दोनों एलोवेरा वेरिएंट में हैं, काफ़ी अच्छे हैं दोनों। एंड देन मैंने कुछ वहाँ से बुलेट लिपस्टिक्स बाई की थी, तो वन बाय वन आपको बताती हूँ। सबसे लाइटेस्ट शेड से एक्चुअली मैंने चार बाई की थी, और ये है चारों का शेड, आपको वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले जो वेरियंट था वो है कैरेमल न्यूड। यस, कैरेमल न्यूड। इसका जो शेड है ना वो बिल्कुल हल्का सा पीची टोन में है, बहुत अच्छा है ये। डेली वेयर के सबसे बहुत ही प्यारा कलर है ये, और काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है, लगाने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। एंड देन अगेन ये है लिपस्टिक चॉको ब्राउन, और ये है इसका शेड। ये थोड़ा सा ब्राउन कलर है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगता है, ये भी बहुत क्रीम टेक्सचर में है। थर्ड जो है ये मैट लिपस्टिक है, पहले जो मैंने दोनों दिखाई वो क्रीम टेक्सचर में थी, ये है मैट लिपस्टिक, और इसका शेड है एक्सप्रेसो ब्राउन, ये है इसका शेड। ये इन दोनों से थोड़ी सी डार्कर है। और जो लास्ट लिपस्टिक है वो है, इसका नाम है शेड नंबर है, ये भी क्रीम है। मैंने अब तक जो दिखाई वो तीनों क्रीम थी, बस ये वाली एक मैट है, बाकी सब क्रीम टेक्सचर में है। इसका नाम है ब्रेजन रेजिन, ये कुछ ऐसा दिखता है, ये भी क्रीम टेक्सचर में है। ये है इसका कलर, बहुत प्यारा कलर है ये। ये ना एक्चुअली सब स्किन टोन्स पे सूट करेगा, ये वाला थोड़ा सा वॉश अप कर सकता है, बट अदर देन दैट ये जो तीन शेड हैं ये सबके लिए एप्लीकेबल हैं। जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स नहीं पसंद करते हैं, ये डेली वेयर के सबसे बहुत अच्छे, बहुत नेचुरल सा कलर देंगे और बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन मैंने एक ये पेन स्टाइल रोल ऑन लिपस्टिक ली है, ये इसका एम आर पी भी 99 था। जितनी भी बुलेट लिपस्टिक्स मैंने आपको दिखाई है ये सबका एम आर पी 99 रुपीज़ है, और इसका एम आर पी भी 99 है। बस क्वान्टिटी थोड़ा कम है इसका, ऑलमोस्ट हाफ ही हो जाता है, लेकिन इसका शेड बहुत प्यारा है, दिखाती हूँ। ये है इसका शेड, थोड़ा सा बबल गम पिंक जैसा कलर है, उसका नेम है कैंडी पिंक, ये भी 99 रुपीज़ का है। यहाँ पे इसका शेड लिखा रहता है कैंडी पिंक, ये लिया है मैंने। एंड देन नेक्स्ट ये है एक लिप बाम, ये है लिप बाम की पैकेजिंग, और इसका वेरिएंट है बबल गम। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजिंग है ये, हल्का सा शाइन, हल्का सा पिंक टोन देता है ये, बहुत लाइटेस्ट। उसकी खुशबू एकदम बबल गम जैसी है, बहुत अच्छा लगता है। एंड देन ये दो लिक्विड लिपस्टिक्स हैं, नहीं एक लिप बाम है, ओ सॉरी लिप ग्लॉस है। इसका नेम है क्लियर क्रिस्टल, ये है थोड़ा सा यहाँ पे लगाया मैंने। इसका एम आर पी बताना भूल गई, इसका एम आर पी था 49 रुपीज़, लिप बाम का एम आर पी, और इसका एम आर पी है 149 रुपीज़, और इसका एम आर पी है 149 अगेन, और इसका शेड है रोज़। इसका मैं आपको दिखाती हूँ स्वैच, ये है इसका स्वैच, ये थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा सा कूल टोन में या थोड़ा सा डार्कर कह सकते हैं, बट ये सारे शेड्स हैं जो मैंने बाय किए हैं, सब शेड बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो सब शेड अच्छे लगेंगे स्किन पे, आई मीन इंडियन स्किन पे। एंड देन मैंने बाय किया है ये बीबी क्रीम, और इसका एम आर पी था 199 रुपीज़, इसका शेड नेम है हनी, दिखाती हूँ उसको भी थोड़ा सा। ये है ये थोड़ा सा ऑरेंज जैसा लग रहा है, बट मेरी स्किन पे ब्लेंड हो जाता है, मैंने इसको ट्राई करके देखा था, अच्छा है ये।
बट हाँ ये बहुत ज़्यादा कवरेज प्रोवाइड नहीं करता है, हल्का सा ड्यूई फिनिश है इसका, ड्यूई फिनिश है हल्का सा। एंड देन मैंने ये बाय किया है ये नेल पेंट जो कि है पर्पल कलर का, ये पर्पल कलर अच्छा लगता है मुझे। और इसका MRP था 69 रुपीज़, 69 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है ये। इसका कलर बहुत प्यारा है, समरी कलर है, समर में पहन सकते हैं। एंड देन जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है आई शेडो, और इसमें आप देख रहे हो शेड ये सब पेस्टल या न्यूट्रल शेड्स हैं, आप मतलब तो बहुत ब्राइट शेड नहीं है, बेसिक कलर्स हैं ये। ये अच्छा लगेगा डेली वेयर मेकअप लुक के लिए, अगर आप हल्का फुल्का मेकअप क्रिएट करना चाहते हैं नो मेकअप लुक के वैसे ही कुछ, या इसको दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं एज आई शेडो भी, और इसको देखो ये जो पिंक शेड्स हैं आपको इसको एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हो, जो ब्राउन शेड्स हैं उसको ब्राउन्जर या फिर काउंटोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें एक दो शेड ग्लिटरी हैं और दो मैट शेड हैं, ये दोनों ग्लिटरी शेड हैं पिंक एंड ये हल्का सा जो गोल्डन सा कलर, और ये दोनों मैट हैं, तो ये काफ़ी अच्छा वन एंड ऑल पैलेट है। इसका MRP था 199 रुपीज़, और इसका शेड है नॉटी न्यूड, काफ़ी अच्छा है ये। सो ये कुछ थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने जूडियो से बाय किए थे, आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, और मैं इससे कुछ मेकअप लुक क्रिएट करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।